दोस्तों, अगर आप भी सूर्यकुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम को मिले जीत के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है और ऐसे में भारतीय टीम के जीत के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों का बयान सामने आया। इस बीच वसीम अकरम, शोएब अख्तर से लेकर शाहिद अफरीदी, इंजमामुल हक ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भारतीय टीम के जीत के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में कौन बेहतर बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला गया, जहां पर इस मैच में आज भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए श्रीलंका की टीम को आमंत्रित किया, जहां पर श्रीलंका की टीम 20 ओवर के अंदर 161 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना पाई। हालांकि इसका पीछा करने के लिए आई भारतीय टीम ने बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करते हुए इस मैच को बड़े आसानी से अपने नाम कर लिया और ऐसे में आज भारतीय टीम को मिली बेहतर तरीके से जीत के बाद पाकिस्तान के दिग्गज दंग रह गए और उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए एक बयान दिया, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20 मैच में मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि भारतीय टीम ने श्रीलंका की टीम के खिलाफ टोटल डोमिनेंस के साथ एक बार फिर से अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई, जिसके चलते आज भारतीय टीम को शानदार जीत मिल गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में अगर आज के दिन गेंदबाज एक बार फिर से अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो शायद भारतीय टीम को काफी ज्यादा नुकसान होता और भारतीय टीम इस सीरीज के अंदर बराबरी करती, लेकिन यहाँ पर सीरीज को जीतने में असमर्थ रहती। तो वहीं जमामुल हक ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ शानदार तरीके से जीत मिल गई है। आज के दिन भारतीय टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन नहीं किया है, बल्कि सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया, जो बताता है कि भारतीय टीम किस तरीके की खतरनाक टीम है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के पास में इस समय काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाज मौजूद है, जो अपने प्रदर्शन के जरिए विरोधी टीम को परेशान कर सकते हैं, लेकिन आज अगर भारतीय टीम को जीत मिली है तो उसके पीछे का असली कारण भारतीय टीम का श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20 मैच में बेहतरीन तरीके से शानदार गेंदबाजी करना है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ शानदार तरीके से जीत मिल चुकी है। इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी खराब प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया और जीत दिलाने का काम किया। इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से इन गेंदबाजों ने भारतीय टीम को बता दिया कि ये सभी खिलाड़ी भारत को जीत दिलाने के लिए सक्षम है और ऐसे में इन बल्लेबाजों से ज्यादा गेंदबाजों पर इस समय विश्वास किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज को जीत चुकी है और मुझे लगता है कि इस सीरीज के अंदर भारतीय टीम अब क्लीन स्वीप भी कर सकती है। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20 मैच में जीत मिल चुकी है। आज के दिन भारतीय टीम की तरफ से रवि बिश्नोई की काफी ज्यादा अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, साथ ही में भारतीय टीम की तरफ से बाकी गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई, जो बताता है कि भारतीय टीम को इस समय हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ अगर इस मैच में जीत नहीं मिल पाती तो शायद भारत के ऊपर अंतिम मैच में दबाव आता, लेकिन यहां पर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अच्छे तरीके से गेंदबाजी करते हुए पूरा दबाव श्रीलंका के ऊपर ट्रांसफर कर दिया और इस मैच में बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का भी मौका दिया, जिसके चलते भारतीय टीम इस मैच को जीत गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में भारतीय टीम के जीत के असली हीरो कौन रहे, कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।